चलिए बड़े खबर का रुख करते हैं। डियोना क्लब पर डीएसटी ईस्ट की रेड पड़ी है, तो बड़ी खबर इस वक्त की। बजाज नगर थाना इलाके में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मौके से 5 हुक्का मय तंबाकू बरामद कर लिया गया है। मैनेजर कुणाल गोस्वामी को भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई अमल में लाई गई, तो बड़ी खबर इस वक्त की। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राकेश राधीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, डियोना क्लब पर यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? बिल्कुल हिमाचली, बता दूं कि सीएम अशोक गहलोत के निर्देश के बाद लगातार राजधानी की पुलिस सक्रिय है और हुक्का बारों से लगातार दबिश दे रही है। इसी क्रम में बजाज नगर थाना इलाके में डियोना क्लब पर डीएसटी ईस्ट टीम की कार्रवाई हुई है, जिसमें वहां मौके पर जब रेड की गई थी तो 5 हुक्का बरामद हुए, साथ ही जो शराब है वो भी बरामद हुई है। फिलहाल वहां पर मैनेजर कुणाल गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इलाके में जो डीएसटी ईस्ट टीम है वो सर्च अभियान में लगे हुए है। राकेश, लगातार जो है राजधानी में जो क्लब है उन पर ये कार्रवाई देखने को मिल रही है, तो क्या उसी कड़ी का ये हिस्सा है? सच बेधड़कने प्रमुखता से खबर प्रसारित की थी। क्लबों में जो अवैध हुक्का बार चल रहे हैं उनको लेकर लगातार पुलिस इन जो क्लब में हुक्का जो चल रहे हैं उनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में जो तमाम जिले के डीएसपी है वो भी अब अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हुक्का बार पर लगातार कार्रवाई के निर्देश कुछ सीएम ने दिए थे। इसको लेकर जो जयपुर कमिश्नर है बीपी जाट जोसफ वो भी संजीदा नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम जो डीएसटी है सीआईए टीम है उनके निर्देश दिए गए कि जिस जगह पर हुक्का चल रहे हैं वहां जाके कार्रवाई करें। इसी क्रम में आज बजाज नगर थाना इलाके में डियोना क्लब पर कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो डीसीपी ज्ञानचंद यादव के नेतृत्व में डियोना क्लब पर कार्रवाई की गई।